दोस्तों आज जो कम संपन्न है उसका नाम है लगेंद्र ठोकर किस्मत को। ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट है किस्मत रे खेल निराले, तो उसको आप पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। ये यहाँ पे पहले पार्ट की स्टोरी है, इसको पहले आप पढ़ लेना। ये कॉमिक्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर होगा उसके अंदर मिल जाएगी। नाम है किस्मत तेरे खेल निराले। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। जैसे दुर्गा के बंधन खुले, मैं कहा हूं तुम मेरे जहाज पर हो, यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है दुर्गा, अब तुम मेरे चुंगल से में हो, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। इतना कह कैसे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी दुर्गा तेज से उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। मैं तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी कमीने, अगर तूने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। यह क्या कह रही हो दुर्गा? इतना कहकर झपट कर उसने दुर्गा की बात पकड़ दी। यह क्या पागलपना है दुर्गा, मैं तुम्हें भिखारिन से राज रानी बनाने की सोच रहा हूँ और तुम हॉकी मरने के लिए तैयार हो? राज रानी बनने की जगह जगह मैं मौत को गले लगाना बेहतर समझती हूँ, छोड़ दे मुझे। घमंडी दुर्गा, मैं तेरे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मुझे इस तरह धोखे से उठा कर लाने वाले कायर आदमी, मेरा हाथ छोड़ दे और मुझे समुद्र में कूद जाने दे। नहीं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो ये ले तेरी इतनी मत, ठहर तुझे अभी मजा चखाता हूँ, कहकर केशव दुर्गा को बेताशा पीटने लगा। आह, तेरे लिए यही उचित सजा है मगरूर, और तब जब तक दुर्गा बेहोश न होगी तब तक वह उसे पीटता रहा। उसके बाद एक सेवक को आवाज देकर बुलाया, रामो इस औरत को ले जाओ और जांच कर उस कमरे में बंद कर दो जिसमें टूटा फूटा सामान पड़ा है। जो हुक्म मालिक। रामो दुर्गा को खींचकर उस कमरे में ले आया जिसमें जांच का टूटा फूटा सामान पड़ा था। फिर दुर्गा को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकला और दरवाजे की कुंडी लगाकर केशव के कमरे में पहुंचा। मालिक, मैं उस औरत को कमरे में बंद कर आया हूँ। रामू, उस औरत पर कड़ी निगरानी रखना, ध्यान रहे वह भागने न पाए। इधर सत्यसेन की ताप्रधान नदी से कुछ दूर पर स्थित सुजानगढ़ राज्य में पहुंचा। तब तक रात गिराई थी। रात के समय मैं कहाँ जाऊं, अब तो रात इसी राज्य में रहकर गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर तक सत्यसेन नगर में व्यर्थ ही घूमता रहा, फिर रात्रि अधिक हो जाने पर फुटपाथ पर ही पड़कर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, अरे है क्या, इस नगर के लोग मुंह लटकाए हुए कहाँ जा रहे हैं? सत्यसेन ने पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, क्यों भाई तुम सब लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लगता तुम परदेशी हो, तभी तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। हाँ भाई, मैं परदेशी हूँ और कल रात इस राज्य में आया हूँ। क्या बताएं भाई, हमारे राज्य पर भारी मुसीबत टूट पड़ी है। आज सुबह हमारे राजा चंदन सेन का निधन हो गया है, इसलिए हम सब लोग राजमहल की ओर जा रहे हैं। इतना कहकर वह आदमी आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद सत्यसेन सोचने लगा, मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ, कल रात मैंने इस राज्य में प्रवेश किया और आज सुबह इस देश का राजा मर गया। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे भी राजा की शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। यह सोच सत्यसेन भी लोगों की भीड़ के पीछे चल पड़ा और भीड़ के साथ चलता हुआ राजमहल तक जा पहुंचा। कुछ देर बाद राजा चंदन सेन की अर्थी राजमहल से बाहर निकल गई। महाराज चंदन सेन अमर रहे, महाराज अमर रहे। सब यात्रा आगे बढ़ते सत्यसेन भी भीड़ के साथ साथ चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने अर्थी थामे हुए अगले आदमी को हटाकर स्वयं अर्थी को कंधा दिया। तभी महामंत्री की दृष्टि उस पर पड़ी। लगता है ये आदमी परदेश है, मुझे इस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए। अगले पल, क्यों भाई, क्या तुम परदेशी हो? हाँ मैं परदेशी हूँ। यह सुनकर महामंत्री बोला, भाई कृपया करके तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कार्य है। आपको मुझसे कार्य है? हैरत में डूबे सत्यसेन ने महामंत्री की ओर देखा। फिर महामंत्री के साथ भीड़ से बाहर निकल आया। तब महामंत्री ने चार सैनिकों को अपने पास बुलाकर सत्यसेन की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ राज के अतिथि गृह में ले जाओ और उनका सत्कार करो। जो आ गया महामंत्री जी, आप अतिथि गृह में चलकर विश्राम कीजिए। दिवंगत महाराज चंद्र सेन का अंतिम संस्कार होने के पश्चात मैं आपसे मिलने अतिथि गृह में आऊंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। यह समझ ज्यादा बातें करने का नियम है, अब आपसे बाद में विस्तार पूर्वक बातें करूंगा। इतना कहकर महामंत्री राजा चंद्र सेन की शव यात्रा की ओर बढ़ गए और सैनिक सत्यसेन को लेकर राजकीय अतिथि गृह की ओर चल पड़े। यह मैं किस झमेले में फंस गया, महामंत्री की बातें मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आई। उन्होंने मुझे अतिथि गृह में ठहराने के आदेश क्यों दिए? राज के अतिथि गृह में पहुंचने पर, जब तक महामंत्री जी आए आप इस कक्ष में विश्राम कीजिए। कुछ ही देर में सेविकाएं उनके लिए भोजन लाई, सैनिक उसे कक्ष में छोड़कर चले गए। सत्यसेन भूखा तो था ही, अतः उसने डटकर खाना खाया। भोजन करते उस पर आलस्य छा गया और वह संज्ञा पर लेट गया। लेटते उसकी आंख लग गई।
फिर सत्यसेन सारे दिन घोड़े बेचकर सोता रहा। संध्या होने पर उसे एक सेवक ने जगाया। अतिथि गृह के बड़े कक्ष में महामंत्री जी ने अन्य मंत्रियों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामंत्री जी ने आपको वहीं बुलाया है। जैसे सेवक सत्यसेन को साथ लेकर बड़े कक्ष में पहुंचा, आइए आप इस सिंहासन पर विराजिए। ये लोग मुझे सबसे ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं? असमंजस में डूबा सत्यसेन सिंहासन पर बैठ गया तो बूढ़ा महामंत्री उसके पास आया और उससे बोला, श्रीमान आप यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि हम आपको इतना आदर सत्कार क्यों दे रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस ऊंचे सिंहासन पर क्यों बिठाया गया है। तो सुनिए, आज से आप सुजानगढ़ के नए राजा हैं, हमने इसलिए आपको इस ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है। क्या हमारे दिवंगत महाराज चंदन सेन निसंतान थे? हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार जो प्रथम परदेशी दिवंगत निसंतान राजा की अति को कंधा देता, वहीं उस राज्य का इस राज्य का नया राजा नियुक्त किया जाता है। ओ तो यह चक्कर है, वह किस्मत तू भी क्या क्या खेल खिलाती है। पहले मेरा राज्य मुझसे छीन लिया, अब दूसरे राज्य का राजा बना दिया। पत्नी चरित्रहीन निकल गई और दोनों बच्चे भी मुझसे बिछुड़ गए। पता नहीं तो अभी मुझे क्या क्या खेल खिलाएगी। अपने दोनों पुत्रों की याद आती सदैव सत्यसेन उदास हो गया। क्या बात, आप सहसा उदास क्यों हो गए? सहसा मैं अपने बिछड़े हुए पुत्रों की याद हुआई है, न जाने वे जीवित भी हैं या नहीं। सत्यसेन की बात सुनकर एक मंदिर ने उठकर उससे पूछा, महाराज क्या आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे? साथ ही यह भी कि आप किस राज्य के निवासी हैं? हम कपिलवस्तु के राजा सत्यसेन हैं। क्या आप सत्यवादी राजा सत्यसेन हैं? आप इस अवस्था में हमारे राज्य में कैसे? हम अपना राज्य 10 वर्ष के लिए कांची के राजा ज्वाला सिंह को दान में दिया है। 10 वर्ष बाद ज्वाला सिंह हमें हमारा राज्य वापस सौंप देंगे। यह हमारा हो भाग्य है कि आप जैसे सत्यवादी राजा हमारे राज्य के नए राजा बनेंगे। आपकी कीर्ति तो दूर दूर तक फैली हुई है महाराज। अब आप कक्ष में जाकर आराम कीजिए। सिंहासन को ज्यादा दिन तक रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कल प्रातः ही आपका राज्याभिषेक होगा। प्रत्येक सेवक के साथ सत्यसेन अपने कक्ष की ओर चल दिया। तब अन्य लोग भी उठकर वहां से चले गए। उसी रात सुजानगढ़ के वृद्ध राजगुरु ने महामंत्री को अपने पास बुलाया। कहिए राजगुरु जी, आपने मुझे कैसे याद किया? बैठे महामंत्री जी, हम आपसे नए राजा के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। हमने सुना इस राज्य के होने वाला नए राजा कपिलवस्तु के राजा सत्यसेन है और 10 वर्ष के लिए अपने राज्य को दूसरे राजा को दान में दिया है। आपने सही सुना राजगुरु जी, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें नए राजा के रूप में सत्यवादी सत्यसेन का नेतृत्व मिलेगा। लेकिन क्या आपने इस बात पर भी विचार किया कि 10 वर्ष बाद जब राजा सत्यसेन दूसरे राजा से अपना राज्य वापस ले लेंगे तो वह हमारे राज्य को छोड़कर अपने राज्य को वापस चले जाएंगे? ऐसी सूरत में हमारे राज्य को कौन संभालेगा? हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो राजा बिना सोचे समझे राज्य को दान में दे सकता है, मौका पड़ने पर वह सुजानगढ़ को भी दान में दे सकता है। इस बात का क्या परिणाम होगा कि आपने इसके बारे में भी सोचा महामंत्री जी? आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया गुरु जी। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दिवंगत महाराजा की अति कंधा देने वाले राज्य सत्यसेन प्रथम परदेशी हैं। इसलिए यहाँ की प्रथा के अनुसार सुजानगढ़ का राजा तो अब उन्हें बनाना पड़ेगा। हाँ, उनको वश में करने का कोई उपाय जरूर सोचा जा सकता है। तो गुरुजी शीघ्र कोई ऐसा उपाय सोचे जो हम लोगों के हित में हो। महामंत्री की बात सुन राजगुरु सोच में डूब गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, राजा सत्यसेन को वश में करने का एक ही उपाय है, उन्हें समर्थि विनाशक नाम का सोमरस पिलाया जाए, जिसे पीते ही वे अपनी समर्थि भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होगा राजगुरु जी? इससे यह फायदा होगा कि राजा सत्यसेन पिछली सभी बातों को एकदम भूल जाएंगे, यानी वे यह भी भूल जाएंगे कि वे कभी कपिलवस्तु के राजा थे, उनका कोई परिवार भी था। इस पर राजा सत्यसेन कभी भी सुजानगढ़ को छोड़कर नहीं जाएंगे और हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार समर्थ के साथ साथ उनकी दान देने की आदत भी सर्वथा छूट जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, राजा सत्यसेन की समर्थि को गायब कर देना ही हमारे हित में रहेगा। फिर मामती राजगुरु से विदा लेकर वहां से वापस चले आए और समर्थि विनाशक सोमरस लेकर राज नर्स की रंभा के पास पहुंचे। रंभा, तुम्हें इसी समय राज के अतिथि गृह में जाकर यह सोमरस वहां ठहरे सत्यसेन को पिलाना है। जो आ गया मामती जी। रंभा ने मामती से सोमरस का पत्र ले लिया और जल्दी से अपना श्रृंगार किया। फिर वह सोमरस का पत्र लेकर सत्यसेन के पास पहुंची। आप, मैं राजनर्थ की रंभा हूं,
आप किस प्रयोजन से यहाँ आई है? आप हमारे अतिथि और अतिथि की सेवा सत्कार करना हमारा धर्म है, इसलिए सोमरस लेकर आपके पास आई हूँ, आप इसे पीकर मुझे अनुग्रहित करें। इतना कहकर रंभा ने एक पात्र पात्र में सोमरस डाला और पात्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए श्रीमान। रंभा से सोमरस का पात्र ले सत्यसेन उसे गटगट पी गया, लेकिन सोमरस पीते सोमरस पीते सत्यसेन कराने क्यों लगाए? तभी कराता हुआ सत्यसेन बेहोश हो गया। मुझे जल्दी महामंत्री के पास पहुंचकर सत्यसेन को के बेहोश होने की सूचना देनी चाहिए। रंभा भागती महामंत्री के पास पहुंचे। महामंत्री जी, सोमरस के पीते सत्यसेन को नेजन किया हुआ वह कराता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा है। ओह, तो सोमरस ने अपना असर दिखाई दिया। क्या मतलब? मतलब यह रंभा कि मैंने जो सोमरस तुम्हें सत्यसेन को पिलाने के लिए दिया था वह समर्थि विनाशक सोमरस था, उसे पीकर सत्यसेन बेहोश हो गया है, अब उसे सुबह से पहले होश नहीं आएगा। लेकिन आपने सत्यसेन के साथ ऐसा क्यों किया महामंत्री जी? उस समर्थि विनाशक सोमरस द्वारा उसकी समर्थि आपने क्यों छीन ली? रंभा, तुम्हें जो कार्य सौंपा गया था उसे तुम पूरा कर चुके हो, इसलिए अब ज्यादा सवाल जवाब न को, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रंभा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप वहां से वापस लौट गई। दूसरी सवाल, जब सत्यसेन को होश आया तो महामंत्री उसके पास उपस्थित थे। मैं कौन हूँ? आप सुजानगढ़ के नए राजा कमलकांत है, आज आपका राजा अभिषेक होगा महाराज। मेरा नाम कमलकांत है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कि आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। सत्यसेन को कुछ याद नहीं आया तो वह बेचैन से अपना माथा मसलने लगा। सत्यसेन को की यह अवस्था देख महामंत्री ने कहा, महाराज आपको राजा अभिषेक के लिए तैयार होना है, सैया से उठिए और शीघ्रता से तैयार होकर राज दरबार की ओर चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। असमंजस में डूबा सत्यसेन सैया से उठकर वस्त्र बदलने लगा। जल्दी तैयार होकर सत्यसेन महामंत्री के साथ राज दरबार में पहुंचा। वहां राजगुरु ने सत्यसेन का तिलक किया और उसके सिर पर मुकुट रखा। ऐसा करते ही, नए महाराज की जय हो, महाराज की जय। उधर राजा सत्यसेन को सुजानगढ़ का नया राजा बनाया गया। उधर धोबी और धोबिन धीरसेन व वीरसेन को साथ लेकर सुजानगढ़ के बाहर स्थित अपने घर पहुंचे। बच्चों, आज से हम दोनों तुम्हारे माता पिता और यह तुम्हारा घर है। धीरसेन और वीरसेन उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। कुछ पल बाद धीरसेन धोबी से बोला, पिताजी, आज से हम दोनों आपके काम में हाथ बटाएंगे। भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेरे बच्चों। इतना कहकर धोबी ने प्रसन्नतापूर्वक उन दोनों को अपनी छाती से लगा लिया। उधर जांच के कमरे में कैद दुर्गा को जब होश आया तो मैं कहाँ हूँ? दुर्गा कुछ देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखती रही। लगता दुष्ट केशव ने मुझे जांच के किसी कमरे में बंद कर दिया है। मैं क्या करूँ, केशव ने मुझे इस बेदर्द से मारा है कि मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। दुर्गा को अपने दुर्भाग्य पर रोना आ गया। भगवान, यह तूने क्या किया, पूरे परिवार को ही छिन्न भिन्न कर दिया। महाराज सत्यसेन की मेरे बिना न जाने क्या हालत हो रही होगी, दोनों बच्चे वीरसेन और धीरसेन न जाने किस हाल में होंगे। यह सोच दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और केशव कमरे के अंदर आया। कहो दुर्गा, क्या हालचाल है, अभी भी होश ठिकाने आए हैं या नहीं? दुर्गा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। देख दुर्गा, अपनी जिद छोड़ दे और मैंने और मेरी पत्नी मजा, मैं तुझे हीरे मोतियों से सजा दूंगा और संसार की सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दूंगा। कहकर केशव ने दुर्गा का हाथ पकड़ना चाहा। दुर्गा ने गणना से उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छू कमीने, अपनी जिंदगी रहते मैं कभी तेरी पत्नी नहीं बनूंगी, मुझे अपनी पत्नी बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और रस्सी जल गई पर अभी बल नहीं गए, अभी भी तेरे वहीं तेवर है। याद रख, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। तेरी पत्नी बनने की अपेक्षा मुझे तड़प तड़प कर मरना मंजूर है। दुर्गा, तुझे अपने रूप पर बहुत घमंड है ना, मैं तेरे इस घमंड को धूल में मिला दूंगा। मैं तुझे विवाह करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, अब तू ही मेरी ज्यादा से परेशान होकर एक दिन सब मुझसे विवाह करने के लिए कहेगी, वह दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा केशव। यह सुन केशव ने क्रोध में भरकर पांव पटकर कमरे से बाहर निकलाया। रामू, इस औरत को 5 दिन तक खाने पीने के लिए कुछ भी न देना, जो हुक्म मालिक। केशव का जात समुद्र में बढ़ता रहा। इस तरह दुर्गा को कमरे में बंद हुए 2 दिन बीत गए। भूख के मारे जान निकली जा रही है। कमजोरी के कारण दुर्गा को बार बार चक्कर आ रहे थे, फिर भी जैसे तैसे करके वह उठी और बंद दरवाजे के पास पहुंची। फिर दरवाजे पर दस्तक दी, ठक ठक। दरवाजे दस्तक को सुन की आवाज सुन कमरे के बाहर बैठा रामू चौका, खटखट। लगता अंदर से दुर्गा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसने उठकर दरवाजा खोला। क्या बात है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए।
मालिक ने कहा कि जब तक तुम उनकी बात नहीं मानोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ओह, दुर्गा दुखी होकर रोने लगी। यह दुख दिया देख, दुर्गा मेरी बात मान और मालिक का कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई। मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा बहुत क्रूर आदमी है, तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। मैं भूखी मर जाऊंगी पर उसकी बात कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर दुर्गा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। 5 दिन बाद ब्राह्मण दुर्गा के कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में पहुंचा। अरे यह तो बेहोश पड़ी है, लगता भूख को सहन नहीं कर पाई है, मुझे मालिक के पास पहुंचकर इसके बेहोश होने की सूचना देनी चाहिए। रामू केशव के पास पहुंचा। मालिक, दुर्गा अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या उसे क्या हुआ है? मालिक, वह भूख की मार सहन नहीं कर पाई इसलिए बेहोश हो गई है, अगर उसे और 1-2 दिन खाना नहीं दिया गया तो वह मर जाएगी। यह सुनकर केशव चिल्ला उठा, मैं नहीं चाहता कि वह इतनी जल्दी मौत को गले लगा ले, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जाओ, पहले जाकर उसे होश में लाओ, उसके बाद उसे खाना देना। जो आज्ञा मालिक। रामू जाने लगा तो एक बात याद रखना रामू, दुर्गा को भरपेट भोजन कभी नहीं देना, पूरे दिन में उसे केवल 4 रोटियां मिलनी चाहिए। मैं इस बात को याद रखूंगा मालिक। रामू खाना लेकर दुर्गा के पास पहुंचा और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दुर्गा होश में आ, कराती हूँ। दुर्गा ने आंखें खोल दी। दुर्गा उठ, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। खाना? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जल्दी उठो। दुर्गा उठी और भूखी शेरनी की तरह खाने पर टूट पड़ी। कुछ देर में वह 4 रोटियां खा गई। थोड़ा खाना और दो न, मालिक क्या गया कि पूरे दिन में तुझे केवल 4 रोटियां खाने को मिलेगी, मिला करेगी। इतना कहकर रामू ने थाली उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। तभी केशव ने कमरे में प्रवेश किया। दुर्गा, मैंने कोई भूखे पैसों के लिए लंगर नहीं लगाया हुआ है, इस तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उठो, उठकर जांच के सभी कमरों की सफाई करो। बेबस से दुर्गा उठी और झाड़ू लेकर जांच के कमरों की सफाई करने लगी। मैं भी देखता हूँ कि यह घमंडी औरत कब तक अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, एक न एक दिन यह मुझसे विवाह करने को राजी हो ही जाएगी। दर धीरसेन और वीरसेन धोबी धोबिन के काम काज में हाथ बटाने लगे। वीरसेन, बेटा तू इन गधों के पास बैठकर इनकी देखभाल कर, हम तीनों कपड़े धोने नदी के तट पर जाते हैं। अच्छा पिताजी। एक दिन, बेटा धीरसेन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कपड़े धोने नदी के तट पर नहीं जा सकूंगा, आप आराम कीजिए। पिताजी, मैं वीरसेन को साथ लेकर कपड़े धोने चला जाता हूँ। धीरसेन धोबिन के पास पहुंचा। माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं कपड़े धोने नदी के तट पर जा रहा हूँ, वीरसेन को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। धीरसेन और वीरसेन नदी के तट पर पहुंचे। वीरसेन ने तो तट पर बैठकर गधों की रखवाली करने लगा और धीरसेन कपड़े धोने लगा। भैया की आदत से अभी तक वापस नहीं लौटी है, ये तो मुझे भी नहीं पहचानते। तब वीरसेन को पेट के पास एक कस्तूरी पड़ी दिखा दी। अरे यह क्या? वीरसेन ने आगे बढ़कर कस्तूरी को उठा लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो धीरसेन भैया के पास जाकर पूछना चाहिए कि यह क्या चीज है, साधु ने इसके बारे में कुछ मालूम हो। अगले पल भैया जब देखना तो यह क्या चीज है, यह मुझे पेट के पास पड़ी मिली थी, दिखाना। वीरसेन ने कस्तूरी धीरसेन को दे दी। धीरसेन ने भी उसे उलट पलट कर देखा। मैंने भी इस वस्तु को पहले जीवन में पहली बार देखा है, पता नहीं यह क्या चीज है। तभी धीरसेन ने कस्तूरी को नाक से लगाकर छूंगा। वाह, यह तो अद्भुत चीज है, इसमें से बड़ी मनमोहक खुशबू आ रही है। लेकिन कुछ क्षण बाद धीरसेन को एक झटका लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। रे भैया को अचानक क्या हो गया, कहकर वीरसेन धीरसेन के पास बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद जब धीरसेन को होश आया, क्या बात है वीरसेन, तुम रो क्यों रहे हो, आप होश में आ गए, भैया आपको अचानक क्या हो गया था? तभी धीरसेन ने चौंककर चेहरा देखा। वीरसेन, हम कहां हैं? नहीं, हमें तो सराय में होना चाहिए था, पिताजी और माताजी कहां हैं? भैया की आपकी यादाश्त वापस आ गई है। क्या, मेरी यादाश्त वापस चली गई थी? हाँ भैया, आज बहुत दिन पश्चात तुम्हें सब कुछ याद आया है, शायद यह उसी वस्तु की करामात है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास लाया था। वह वस्तु कहाँ है भैया? जब धीरसेन कस्तूरी चूंगने के पश्चात बेहोश हुआ था तो कस्तूरी इसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर गई थी। अतः दोनों भाई पृथ्वी पर बैठकर कस्तूरी को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कस्तूरी कपड़ों के ढेर में पड़ी मिल गई। उसे धीरसेन ने जेब में रख लिया और वीरसेन से बोला, माँ और पिताजी कहाँ हैं? उन्हें तो हमसे बिछड़े हुए का अरसा हो गया भैया, माँ ना जाने कहाँ से ली गई और पिताजी को मैंने अपने सामने नदी में डूबते हुए देखा था। अरे यह क्या हो गया, पिताजी सोर सिधार गए? मैं भैया, हम दोनों को नदी के किनारे पर अकेला देखकर धोबी और धोबिन मैं अपने साथ ले आए थे, अब वे हम दोनों को अपने पुत्र बनाकर
अपने अपने पास रखे हुए हैं, उन दोनों के कोई संतान नहीं है। मैं जानता हूं कि माँ कहाँ गई, उन्हें वह दुष्ट व्यापारी कैसे उठाकर ले गया होगा। पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन मैं माँ को ढूंढ कर रहूंगा, माँ को जालिम केशव के पंजे से छुड़ा कर ही रहूंगा। धीर से इनको सोच में डूबा देख, भैया की सोच में डूब गए कि अब बाकी कपड़े धोने नहीं है। आहा, मैं अभी कपड़े धोता हूं, तुम गधों के पास जाकर बैठो। इतना कहकर धीरसेन पुनः कपड़े धोने में लग गया। श्याम को दोनों कपड़े धो सुखाकर घर पहुंचे। भैया यही है वे दोनों जो मैंने नदी के तट से उठाकर लाए थे। तुम धीरसेन को क्या यह सब क्यों बता रहे हो वीरसेन, उसे तो यह सब पता है। माँ, धीरसेन भैया की याददाश्त वापस आ गई है, अब यह बात भूल चुके हैं कि आप दोनों उन्हें नदी के तट पर से लाए थे। लेकिन धीरसेन की याददाश्त वापस कैसे आई? ओह, तब धीरसेन ने जेब में से कस्तूरी निकालकर धोबी को देते हुए कहा, यह वस्तु वीरसेन को नदी के तट पर मिली थी, जैसे मैंने इसे सूंघा मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। अरे यह तो कस्तूरी मर की कस्तूरी है, यह तो बड़ी दुर्लभ चीज है, इसे सूंघकर धीरसेन की याददाश्त वापस आ गई, इसलिए यह तो और भी दुर्लभ है, लगता है यह कोई जादू कस्तूरी है। पिताजी, आपने संकट के समय में हम दोनों भाइयों की सहायता की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो क्या अब तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओगे? आपने यह कैसे सोच लिया? अब आप ही हमारे माता पिता है, अब हम दोनों आपके ही बेटे हैं। वो मेरे बच्चों, कहकर तुमने हमारी झोली में अनगिनत खुशियां भर दी हैं। धोबी की आंखों में यह कहते कहते आंसू भर आए और धोबी ने आगे बैठकर दोनों भाई को सीने से लगा लिया। इधर सुजानगढ़ के राजगुरु एक दिन सत्यसेन के पास राजमहल में पहुंचे। आइए राजगुरु जी, ये क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कहते हैं नाजुक विषय पर वार्तालाप करने के लिए आया हूं महाराज। महाराज, बिना नारी के पुरुष अधूरा रहता है। जब आप सुजानगढ़ के राजा हैं, आपको सिगरी विवाह कर लेना चाहिए, जैसी आपकी आज्ञा राजगुरु जी। मैं सिगरी आसपास के राजाओं को आपके विवाह के बारे में सूचना भिजवा देता हूं। जिस राजा की भी कन्या विवाह योग्य होगी, उसी के साथ आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। सिगरी दीनागढ़ की राजकुमारी तारामती के साथ राजा सत्यसेन का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन धोबी नवारे ने राजा कमलकांत का विवाह हुआ है, आज वे अपनी नई रानी के साथ सुजानगढ़ की प्रजा को दर्शन देने वाले हैं। हमें भी चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। आप ठीक कह रहे स्वामी, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। धीरसेन और वीरसेन को पता चला तो वे भी धोबी के साथ जाने के लिए मचल उठे, अतः चारों तैयार होकर राजमहल पहुंचे। वो यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है पिताजी, हमें आगे चलकर राजा रानी को के दर्शन करने चाहिए। तुम ठीक कहते बेटा, हम और आगे चलते हैं। धोबी दोनों का हाथ पकड़कर किसी तरह भीड़ में से निकलते हुए सिंहासन के समीप जा पहुंचे। अरे एक सिंहासन पर तो हमारे पिताजी महाराज बैठे हैं, इसका मतलब है पिताजी महाराज नदी में नहीं डूबे थे, वे जीवित हैं। उन दोनों को खुशक खुशक देख धोबी ने उनसे पूछा, तुम दोनों क्या खुशक खुशक कर रहे हो? पिताजी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घट गई है, जिसे देखकर हम दोनों हैरान है। क्या बात हो गई बेटा? पिताजी, सिंहासन पर जो राजा बैठे हैं वे हमारे पिता सत्यसेन हैं। क्या यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तो हमारे नए राजा कमलकांत है, जरूर तुम्हें कोई भरम हुआ है। नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, ये राजा शत प्रतिशत हमारे पिता सत्यसेन है। ऐसी बात है तो तुम फूलों का गुच्छा भेंट में देने के लिए राजा कमलकांत के पास जाओ, यदि वे तुम्हारे पिता सत्यसेन हुए तो वैसे ही तुम्हें पहचान जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए क्रम से। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पर आधी खत्म होती है, मतलब एक ये पार्ट पूरा होता है और इसका आखिरी और लास्ट पार्ट है अनोखा भाग है। दोस्तों, आज पता नहीं थकान है या स्ट्रोक का असर है, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो वहाँ पर आप पढ़ लेना और मैं अब इसको कल पढ़ूंगा, आज अब पढ़ा जा रहा मेरे से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसका नाम है अनोखा भाग है। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूंगा।